जैसा कि आप जानते हैं कि CSS के लिए एज लिमिट नॉर्मल जो है वो 30 ईयर्स है और स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए 32 साल है। तो इसमें फिर ये क्वेश्चन जो अराइज होता है कि कौन सी तारीख पे 30 साल का बंदा हो जाए तो फिर वो अपीयर नहीं हो सकता, ये किस तरह डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ डेट है, ये रूल्स का पेज नंबर 2 है और इसमें सेक्शन 5 है जो कि बता रहा है कि कट ऑफ डेट होती है जी 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर की, ठीक है जी। जिस तरह अगर 23 में किसी ने अपीयर होना तो 22 का 31 दिसंबर पे, अगर वो बंदा 31 दिसंबर पे या उससे पहले 30 साल का हो गया है नॉर्मल पर्सन और स्पेशल पर्सन 32 का हो गया है तो फिर वो एक्सपायर हो गया है, फिर वो नेक्स्ट में अपीयर नहीं हो सकता 2023 में, ठीक है। तो ये नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 2019 में अगर एक बंदा अपीयर होना चाह रहा है तो उसके लिए कट ऑफ डेट जो है वो होगी, ये वाली लाइन जो है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उसके लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2018 होगी, ठीक है जी। 2018 की 31 दिसंबर वाले दिन अगर वो 30 का हो गया नॉर्मली या स्पेशल केस में वो 32 का हो गया है तो फिर उस सूरत में उसको जो है वो अपीयर नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन वो अगर 1 जनवरी 2019 पे या 2 जनवरी या ऑनवर्ड पे किसी दिन भी वो 30 का हो गया है तो फिर वो अपीयर हो सकता है, ठीक है, या 32 का हो गया। तो ये 30 और 32 क्या है, 30 नॉर्मल है, इसमें नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, और 2 साल की एक्सटेंशन मिलती है कुछ लोगों को जो स्पेशल होते हैं, नॉट द नॉर्मल सिटीजन्स। उसमें जो स्पेशल लोग हैं वो उसकी मेरे रूल्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया है और सेपरेट वीडियो भी मौजूद है कि 2 साल की एक्सटेंशन किन लोगों को मिलती है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये एज लिमिट है और ये उसमें आगे रिलैक्सेशन किन लोगों को मिलती है, इसकी सेपरेट वीडियो भी मौजूद है और CSS रूल्स 2023 के अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं खुद से इसको डाउनलोड करके, FPSC की वेबसाइट पे ये रूल्स जो हैं ये मौजूद हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लें। ये आपके सामने विजिबल है FPSC की वेबसाइट, और इसमें ये CSS एग्जाम्स है, इसको ओपन करेंगे, ये सेकेंड नंबर पर रूल्स और सिलेबाई है, और इसमें ऊपर ये रूल्स हैं, नीचे सिलेबाई है। तो यहाँ से दोनों फाइल्स PDF डाउनलोड कर लें, उनको रीड आउट कर लें।